गुड मॉर्निंग एवरीवन आज हम इस वीडियो में क्या करने वाले हैं अनऑर्गेनाइज वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी एक्ट जो कि 2008 में आया था उसमें दो बोर्ड का प्रोविजन दिया हुआ है नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड एंड स्टेट सोशल सिक्योरिटी बोर्ड तो उनके कंपोजिशन को याद करने में और यहाँ समझने में कुछ कुछ प्रॉब्लम आती है कई बार और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये काफी इंपॉर्टेंट है ही दोनों बोर्ड सो लेटर्स अंडरस्टैंड कि हम कैसे इनको याद कर सकते हैं कैसे अपने दिमाग में रिटेन कर सकते हैं इन दोनों रिलेटेड इन दोनों बोर्ड से रिलेटेड जो कॉम्पोजिशन का प्रोविजन है वो एक बार चेक करते हैं देखते हैं सो नाउ यू कैन सी कि नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड और स्टेट सोशल सिक्योरिटी बोर्ड का एक कंपेरिटिव चार्ट टाइप है आपके सामने जिसमें आपको ये देखने को मिल रहा है कि इसका कॉम्पोजिशन क्या है इन दोनों बोर्ड के क्या कॉम्पोजिशन है सो लेट अस अंडरस्टैंड बाय वे ऑफ कंपेयरिंग दैन सो एंड वाई देंबर्स आर लिस्टेड की uh, कितने होने चाहिए कहाँ से होने चाहिए तो ये समझेंगे तो इससे हमें याद भी हो जाएगा दैट वॉट इज दीज टू बोर्ड ठीक है सो so, अगर हम फर्स्ट देखें तो हमें फर्स्ट टू तो याद करने ही है देयरपर्सन इज द एक्स ऑफिशियो में जो उनशनल बोर्ड का कौन होगा बिकॉज इट इज अशनल बोर्ड सो यूनियन मिनिस्टर फॉर लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट वुड बी दी चेयरपर्सन एक्स ऑफिशियो

क्योंकि दिस बोर्ड इज एट नेशनल लेवल कमिंग ऑन टू सेकेंड अपॉइंटमेंट अगर हम देखें तो मेंबर सेक्रेटरी एक्स कौन एक्ट करेंगे इसमें डायरेक्टर जनरल लेबर वेलफेयर सेक्रेटरी एक्स ऑफिस नेशनल बोर्ड एंड प्रिंसिपल सेक्रेटरी और सेक्रेटरी लेबर वुड एक्ट एज मेंबर सेक्रेटरी एक्स ऑफिस ऑफ द स्टेट बोर्ड राइट अब ये नंबर हमें याद करना है इसमें विदाउट फेल थर्टी फोर और कितने मेंबर्स होते हैं नेशनल बोर्ड में थर्टी फोर हैं और बिकॉज इट्स अ नेशनल बोर्ड ऑल दीज मेंबर्स वुड बी अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट बोर्ड में ट्वेंटी होते हैं एंड दैट टू बी नॉमिनेटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट अगेन बिकॉज इट्स अ स्टेट लेवल बोर्ड तो स्टेट गवर्नमेंट इनको अपॉइंट करेगी सो थर्टी फोर एंड रिमेंबर नाउ इफ वी लुक एट दी नंबर ऑफ मेंबर्स की हु कंस्टीट्यूट दीज थर्टी फोर में ट्वेंटी एट हमें देखने हैं ठीक है तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स रिप्रेजेंटेटिव दोनों में सेम है सो वर्कर्स हु आर गोइंग टू रिप्रेजेंट ऑन दीज बोर्डीट्यूट सेवन एन नंबर इन बोथ द तो दोनों है 7 -7 याद हो जाएंगे ठीक है with, है सेम इज द केस विद बिकॉज वर्कर्स रिप्रेजेंटेटिव तो इक्वली द बोर्ड शुड बी रिप्रेजेंटेड बाई द इम्प्लॉय साइड सो अनऑर्गेनाइज सेक्टर इंप्लॉयर रिप्रेजेंटेटिव कितने होंगे सेवन सेवन तो ये भी याद करने इजी है सो so, ये सारे के सारे सेवन है ऑन बोथ द बोर्ड नेशनल लेवल पे भी और स्टेट लेवल पे भी ठीक है अब हम चल रहे हैं एमिनेंट पर्सन फ्रॉम सिविल सोसाइटी तो जिनको अच्छी खासी नॉलेज है विद रिस्पेक्ट टू लेबर लॉज एंड ऑल दी रिलेटेड फील्ड्स तो वो मेंबर्स कितने होने चाहिए नेशनल बोर्ड में दो ज्यादा हैं यहाँ पे सेवन है यहां पर फाइव है ठीक है तो सेवन और फाइव हमें याद रहेगा एमिनेंट पर्सन फ्रॉम सिविल सोसाइटी नेशनल बोर्ड में टोटल नंबर ऑफ में शुड बी सेवन वाइल इन स्टेट बोर्ड द टोटल नंबर ऑफ सच मेंबर्स शुड बी फाइव कमिंग ऑन टू मेंबर्स फ्रॉम लोकसभा एंड राज्यसभा अब देखो बिकॉज नेशनल लेवल बोर्ड है तो यहां पर मेंबरशिप रहेगी लोकसभा और राज्यसभा से ठीक है और यहां नहीं रहेगी सो दैट इज ऑटोमेटिकली लॉजिकल ठीक है लोकसभा राज्यसभा के रिप्रेजेंटेटिव नेशनल बोर्ड में रहेंगे स्टेट बोर्ड में नहीं रहेंगे और लोकसभा से दो हैं और राज्यसभा से कितनी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं एक है तो स्टेट बोर्ड में इनका कोई काम नहीं है नेशनल लेवल पे इनका काम है बिकॉज दीज आर द रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम दी लोकसभा और राज्यसभा तो दो और एक यहां है यहां कोई नॉमिनेशन नहीं है सो वी हैव टू अंडरस्टैंड की बेसिक लॉजिक क्या लगाया गया है कि रिप्रेजेंटेटिव रिप्रेजेंटेटिव चुनने का ठीक है अब लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट कहां काम करेगी स्टेट बोर्ड में काम करेगी तो इसलिए यहाँ पे इसका कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है नेशनल बोर्ड में ऐसे रिप्रेजेंटेटिव का कोई काम नहीं है वेयर एज रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली स्टेट बोर्ड में रहेगी और कितने मेंबर्स बताए गए हैं दो प्रिस्क्राइब किए गए हैं ठीक है तो यहां कोई काम नहीं है उसका रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट अगेन इनका कहां पे क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इनका रिप्रेजेंटेशन कहां रहेगा नेशनल बोर्ड में रहेगा लेकिन यहां इसकी कोई जरूरत नहीं है ठीक है और कितने रिप्रेजेंटेटिव है फाइव है अगेन कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट लेवल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की रिप्रेजेंटेशन कहां रहेगी स्टेट बोर्ड में रहेगी कितने मेंबर्स हैं सात हैं लेकिन यहां इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है तो ये आपको ये इस चीज को अंडरस्टैंड करके चलोगे तो बहुत आसान हो जाएगी चीजें ठीक है अगेन रिप्रेजेंटेटिव स्टेट गवर्नमेंट अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव हैं और ये स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के रिप्रेजेंटेटिव हैं तो स्टेट गवर्नमेंट के डिपार्ट स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के रिप्रेजेंटेटिव स्टेट बोर्ड में तो चाहिए लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट के डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव हैं वो कहाँ चाहिए नेशनल बोर्ड में चाहिए लेकिन यहाँ नहीं चाहिए तो ये थोड़ा सा हमें इस पॉइंट को uh, अलग से लेना है रिप्रेजेंटेटिव स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल बोर्ड में चाहिए वहां पर उनकी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए ना कि स्टेट से पता तो चले कि उनके क्या uh, उनके क्या इश्यूज हैं या क्या नहीं है राइट right? तो अगर ये नहीं पता चलेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना ठीक है तो स्टेट गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव नेशनल लेवल बोर्ड पे चाहिए स्टेट बोर्ड पे नहीं चाहिए वेयर एज स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के रिप्रेजेंटेटिव स्टेट बोर्ड में चाहिए नेशनल बोर्ड पे नहीं चाहिए ठीक है और टर्म ऑफ द बोर्ड दोनों का थ्री थ्री इयर्स है और मीटिंग भी बताई हुई है एक्ट में मीटिंग पीरियड कितना है नेशनल बोर्ड का एटलीस्ट थ्राइस और स्टेट बोर्ड का कितना मीटिंग का दिया हुआ है वंस इन एवरी क्वार्टर दोनों में फर्क होता है एटलीस्ट थ्राइस इयर इसका मतलब है कि साल में कभी भी तीन मीटिंग्स कर लीजिए एंड स्टेट बोर्ड का मतलब अगर वंस इन एवरी क्वार्टर दिया हो तो एक क्वार्टर में एटलीस्ट जैन टू मार्च में आपकी एक होनी चाहिए एंड अप्रिल टू जून में एक होनी चाहिए एंड सोहन ऐसे होने चाहिए ठीक है तो ये हमारे को नेशनल बोर्ड uh, और स्टेट बोर्ड से रिलेटेड कंपोजिशन पता होना चाहिए और इसका लॉजिक भी पता होना चाहिए लॉजिक पता होगा तो वी विल बी एबल टूजिली रिमेम्बर दम इन द्जाम ठीक है सो दट इट फ्रॉम माई साइड थैंक यू सो मच